नमस्कार, मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCom पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम में ग्रामीण विकास एवं सहकारिता बुक के अंतर्गत यूनिट संख्या 5 में, जो कि इस बुक की अंतिम यूनिट है, चैप्टर सहकारिता की विचारधारा में इम्पोर्टेंट टॉपिक सहकारिता विचारधारा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं और सहकारिता के प्रमुख लक्षण और उसकी विशेषताएं कौन कौन सी। इसी क्रम में हम आज सहकारिता के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सहकारिता के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में जानने से पहले हमें सहकारिता का मेन उद्देश्य या सहकारिता क्या है उसके बारे में एक संक्षेप में हम चर्चा करते हैं कि सहकारिता में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन बनाए जिसका उद्देश्य क्या हो, सेवा भावना हो। तो यहाँ पर सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य हुआ व्यक्ति या लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक सेवा उद्देश्य से खोला गया संगठन जिसमें व्यक्ति विशेष का लाभ न होके सेवा भावना रखा गया है। यही सहकारिता विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य है। फिर भी इन उद्देश्यों को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम है आर्थिक उद्देश्य। एक टेबल के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे सहकारिता विचारधारा के प्रमुख उद्देश्य में आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में जब कोई भी सहकारिता संगठन का जब हम निर्माण करते हैं तो इसमें विकास के अवसर और आर्थिक साझेदारी या आर्थिक सुरक्षाओं को ध्यान में रखने के उद्देश्य से आर्थिक उद्देश्य का गठन होता है। दूसरा उद्देश्य है यहाँ पर सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक उद्देश्यों में इसमें समाज के हितों का संपूर्ण ध्यान रखा जाता है जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिल सके, तो वो सामाजिक उद्देश्यों में आता है। सामाजिक उद्देश्य का उद्देश्य यहाँ पर लाभ कमाना न होकर समाज के सेवा भावना या समाज के लोगों को ऊंचा उठाने, उसके जीवन स्तर में सुधार करने, अत्यधिक रोजगार या लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खोला गया ऐसा संगठन सामाजिक उद्देश्य में आता है। तीसरे हम संगठन की बात करें, जैसा कि मैंने बात की प्रथम आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, तीसरा सेवा या सहयोग उद्देश्य से। सेवा व सहयोग उद्देश्य से खोला गया संगठन एक सहकारिता विचारधारा के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर क्या होगा, सेवा करना, वो सेवा उद्देश्य में माना जाता है। चौथा उद्देश्य की हम बात करें नैतिक उद्देश्य। नैतिक कार्यों के लिए जो संगठन खोला जाता है वो नैतिक उद्देश्यों में शामिल है। अंतिम है राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्यों से खोला गया संगठन जिसका उद्देश्य राजनीति करना ही है वो राजनीतिक उद्देश्य है। इसमें सरकार का इसमें पूर्ण सहयोग होता है, जो राजनीतिक क्षेत्र में से राजनेता को और जनता को इसमें लाभ मिलता है। तो ये हमने सहकारिता विचारधारा के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में हमने एक चार्ट के माध्यम से अध्ययन किया। इसी क्रम में हम
अध्ययन करें कि सहकारिता के उद्देश्यों के बारे में, कि सहकारिता उद्देश्य की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, कि किसी भी संस्था का अपना कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है, उद्देश्यों के अनुसार ही व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित होता है। यदि कोई संस्था आदर्श उद्देश्यों के लिए कार्यरत करती है, उसका विकास अवश्य भावी है। यदि कोई संस्था आदर्श उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी तो उद्देश्यों से प्रभावित होकर मानव समुदाय किसी संस्था को स्वीकारता या नकारता है। अतः सहकारी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को स्पष्ट करना आवश्यक है ताकि उनका उचित विकास हो सके और जनता में सहयोग देने के लिए प्रेरित भी हो सके। तो इस प्रकार भी विभिन्न विद्वानों ने सहकारिता आंदोलन को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है, जिसमें प्रथम प्रकार के विद्वान उनका कहना है कि सहकारी आदर्शों का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना है और इनका मानना है कि लोकतांत्रिक समाज की स्थापना सहकारिता के माध्यम से ही संभव है, जिसमें समाजवाद के दोषों को दूर करने का एकमात्र साधन माना गया है। दूसरे प्रकार के विचारधारक भी ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था या ऐसे समाज का उद्देश्य सामने रखते हैं जिसमें सहकारी संस्थाएं ही प्रमुख हो, और ऐसी विचारधारा कॉमनवेल्थ विचारधारा कही जाती है जिसके अनुसार सहकारी संस्थाएं ही प्रमुख होती हैं। यदि निजी संस्थाएं भी हो सकती हैं तो लेकिन उनका स्थान गौण होगा। इस प्रकार हम कहें कि सहकारिता का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना है, और सहकारिता आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो हैं रॉबर्ट ओवन, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के में शोषण व लाभ की प्रवृत्ति के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व की विचारधारा पर महत्व देते हैं। सहकारिता आंदोलन के प्रवर्तकों की इच्छा भी ये थी कि सहकारिता के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य भेदभाव को समाप्त किया जाए। तो इसी प्रकार हम आर्थिक उद्देश्य की बात करें तो आर्थिक उद्देश्य में प्रथम है आर्थिक विकास के अवसर। सहकारिता विचारधारा के अंतर्गत प्रमुख आर्थिक उद्देश्यों में सहकारी आर्थिक विकास के अवसर भी मिलते हैं, जिसमें सहकारी व्यवस्था का मूल उद्देश्य केवल व्यक्ति के आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। ऐसा न होने या ऐसा होने से व्यक्ति के को स्वयं के समाज के विकास का अवसर उपलब्ध होगा। विकास के समान अवसर मिलने से निर्बल व्यक्तियों को भी ये व्यवसाय चुनने या रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे समाज में व्यक्ति अपनी योग्यताओं के भरपूर उपयोग कर पाएगा और आवश्यक होने से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकेगा। दूसरा है आर्थिक साझेदारी। आर्थिक साझेदारी भी एक आर्थिक उद्देश्यों में महत्वपूर्ण है, जिसमें हम बात कहें कि सहकारिता परस्पर सहयोग व साझेदारी पर आधारित है। यह आर्थिक साझेदारी एक ऐसे संगठन के रूप में धारण लेती है जो निर्बल को समाज के सबलों को बचाने का सरल उपाय है। इसमें आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण समाप्त हो जाता है और आर्थिक व सामाजिक समानताएँ उत्पन्न होती हैं। विलियम्स मॉरिस कहते हैं कि साझेदारी या सहचर की जीवन का स्वर्ग बनाता है, इसका भाव जीवन को नरक भी बनाता है। तो ये भी है। अगला है आर्थिक सुरक्षा। सहकारिता के विचारधारा प्रमुख उद्देश्यों में आर्थिक सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। आर्थिक सुरक्षा सहकारिता का उद्देश्य उपभोक्ता उत्पादक श्रमिक सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा व न्याय प्रदान करना है। आर्थिक न्याय में प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रीय आय में भागीदारी होनी चाहिए। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों को लाभ उनके द्वारा अपनाई गई पूंजी के अनुपात में न देकर समिति को दिए गए संरक्षण के अनुपात में देना चाहिए।
यह व्यवस्था अधिक पूंजी वाले व्यक्ति को अधिक लाभ प्राप्त नहीं हो कर सकता है, जो आर्थिक समानता और न्याय का आधार है। सहकारी व्यवस्था राजनीति से तटस्थ रहकर समाज को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। सहकारिता मनुष्य के परिवास व आवश्यकता दोनों पर ध्यान देती हैं तथा अपने सदस्यों को उचित मूल्य पर शुद्ध वस्तु दिलाने का प्रयास भी करती हैं। तो इस प्रकार सहकारिता न्याय व सुरक्षा पर क्या है, आधारित है। अगला है सामाजिक उद्देश्यों की बात करें तो सामाजिक उद्देश्य यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो कि सामाजिक उद्देश्यों की हम बात करें तो सहकारिता आर्थिक आंदोलन का ही नहीं वरन सामाजिक आंदोलन भी है। सहकारिता सामाजिक सहयोग व समानता की विचारधारा पर क्या है, आधारित है। सहकारी आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिसमें परस्पर सहयोग से पूरे समाज का कल्याण क्या है, संभव है। इसके अंतर्गत दुर्बल व्यक्तियों को भी जीने का अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों में जाति, धर्म, लिंग, रंग भेद, भाषा, विचारधारा, संस्कृति आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इससे सामाजिक समानता को बल भी मिलता है। सहकारी विचारधारा समाजवादी समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध हुई है। सहकारिता जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, जिसका मूल मंत्र है सब एक के लिए और एक सब के लिए। तो ये सामाजिक उद्देश्यों में सम्मिलित है। तीसरा है सेवा व सहयोग उद्देश्य। सहकारिता का जन्म ही सेवा से हुआ है। यह सेवा भावनाओं को साथ में लेकर चलती है। सेवा की भावनाओं का सहयोग की भावना बल देती है। सहकारी व्यवस्था में रहकर व्यक्ति सेवा व सहयोग की भावना सीखता है, जिससे समाज में ही उनको बल मिलता है। समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा और मानव दुख के सहयोग से सेवा की एक अहम भूमिका या सेवा भावनाओं को दूर भी किया जा सकता है। तो परस्पर सहयोग की आत्म सहयोग का भी पाठ हम सहकारिता के माध्यम से सीख सकते हैं। तो इस प्रकार सहकारिता आर्थिक, सामाजिक, सेवा और सहयोग के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी क्या है, कार्यरत है। इससे शोषणों से मुक्ति मिलेगी, निर्बलों के जीवन स्तर में उन्नत होगा और सामाजिक वातावरण सहयोग शांत होगा और समुचा एक विश्व एक परिवार को समान होगा, जो विकेंद्रीकरण जनतांत्रिक भावना पर विशेष बल मिलेगा। अगला है नैतिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य, सेवा उद्देश्य, नैतिक उद्देश्यों की हम बात करें तो नैतिक उद्देश्यों में महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक, सामाजिक व सेवा उद्देश्य के साथ साथ सहकारिता एक नैतिक उद्देश्य भी है। यह समाज के नैतिक विकास के लिए कार्य करती है, जिसमें निस्वार्थ या समर्पण की भावना से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन मिलता है। सहकारिता का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि सेवा करना है। तो इस प्रकार इसका उद्देश्य सदस्यों में सहयोग, भाईचारे, मिलकर कार्य करने की भावना का विकास करना है। इस प्रकार विश्व बंधुत्व के उद्देश्यों से लेकर स्थापित की गई व्यवस्था है। सहकारी योजना समिति ने कहा था कि सहकारी आंदोलन आवश्यक रूप से नैतिक है। ये एक भौतिक संपत्तियों के स्थान पर ईमानदारी व नैतिक दायित्व की भावना को प्रतिस्थापित करता है और इस बात का भी ध्यान रखता है कि भौतिक स्वीकृति की अपेक्षा नैतिक स्वीकृति को अधिक बल या उस अधिक ध्यान दिया जाए। अंतिम है राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य भी सहकारिता संगठन की एक अहम भूमिका के रूप में भूमिका निर्वाहन करता है, क्योंकि सहकारिता का राजनीतिक उद्देश्य राजनीतिक चेतना जागृत करना है। सहकारिता ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में भी सफल रही है। सहकारिता समिति की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक या प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर की जाती है, जो कि जिसमें सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार होता है, जिसके माध्यम से योग्य प्रबंधक या संचालक मंडल के सदस्यों का चयन करता है। सहकारिता की राजनीति का पाठ पढ़ाती है और स्वायत्त शासन की शिक्षा प्रदान करती है। इसकी प्रबंध व्यवस्था सदस्यों के द्वारा की जाती है, इसमें सहकारी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार सहकारिता प्रजातंत्र की एक नींव मजबूत करता है। तो इस प्रकार सहकारिता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सेवा उद्देश्य, नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत है। तो शोषण से मुक्ति दिलाने वाला आंदोलन है, जिससे सामाजिक तनाव को कम करके सहयोगपूर्ण वातावरण भी बनाता है। तो सहकारिता प्रजातंत्र और विकेंद्रीकरण की भावनाओं को प्रोत्साहन करती है और दुर्बल व्यक्तियों के जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शांतिपूर्ण व्यवस्था का आंदोलन भी है। तो वर्तमान युग में सहकारिता एक ऐसा शांतिपूर्ण आंदोलन है जो आत्म सहायता तथा पारस्परिक सहयोग का भी पाठ पढ़ाता है। तो समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण भी एक
स्थान है। पूंजीवादी और साम्यवादी में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए श्रेय की है जो सहकारिता के लिए शोषित वर्ग के उत्थान में प्रजातंत्र का प्रसार समानता और समाज की भावनाओं का विस्तार भी किया जाता है। इस प्रकार सहकारिता एक दूसरे मिलकर कार्य करने की भावना के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि सहकारिता के कौन कौन से महत्व हैं, उनके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।